नमस्कार साथियों, मैं संदीप नोकवाल और आप देख रहे हैं द पब्लिक। पिछले दो दिनों से काफ़ी चर्चा चल रही है अडानी ग्रुप के बारे में, क्योंकि अडानी ग्रुप के हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में 20 से लेकर 40% तक गिरावट हुई है। जी हां, एक दिन के अंदर 20% और पिछले अगर महीने का रिकॉर्ड देखा जाए तो लगभग 40 से 50% गिरावट आ चुकी है और ये गिरावट आज भी यानी 10% और जा सकती है। लेकिन अडानी ग्रुप की वजह से पूरे के पूरे शेयर मार्केट के अंदर सभी कंपनियों के बैंकों के शेयर के अंदर गिरावट देखी गई, यानी 99% शेयर ऐसे थे जो अडानी ग्रुप के शेयर गिरने के बाद उनके शेयर भी लुढ़क गए थे। इसका साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अडानी ग्रुप इंडिया के अंदर एक मजबूत शिश्ती बना चुका है और अडानी ग्रुप के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही है इंडिया को कमजोर करने की। बताना चाहूंगा कि अडानी ग्रुप इंडिया के अंदर 7 कंपनियां चलाता है और वो 7 कंपनियां भारत की रीढ़ की हड्डी है, यानी एक शरीर के अंदर अगर रीढ़ की हड्डी फेल हो जाए तो शरीर खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से भारत के अंदर अडानी की 7 कंपनियां ऐसी है जो पूरे भारत को चलाती है, या पूरे भारत का वजूद उन कंपनियों पर निर्भर है, चाहे वो अडानी टोटल गैस हो, चाहे वो अडानी ग्रीन एनर्जी हो, चाहे अडानी यहाँ पर पावर हो, या अडानी इंटरप्राइज हो, हर एक काम तक अडानी ग्रुप ने संभाल रखा है। इसलिए ही भारत उसकी सहायता करता है, सरकार उसकी सहायता करती है, सरकार उसको कर्ज भी देती है। हालांकि बैंकों ने क्लियर कर दिया है कि कर्ज को लेकर कोई संदेह नहीं है, अडानी ग्रुप की प्रॉपर्टी, अडानी ग्रुप का जो एसेट है वो कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त है, काफ़ी है। ऐसे में एक विदेशी बंदा आता है और एक रिपोर्ट जारी करता है जिसके कारण शेयर गिर जाते हैं। ये बहुत ही भयानक शिश्ती है इंडिया की इन्वेस्टर के लिए। आप इंडिया में रहते हैं, आपको पता है अडानी ग्रुप कितना मजबूत है, और आप एक रिपोर्ट के आधार पर बिकवाली शुरू कर देते हैं। अडानी ग्रुप अगर नहीं रहा, पहले तो ये नामुमकिन है कि अडानी ग्रुप फेल हो जाए या अडानी ग्रुप के शेयर बढ़े ही ना 2 या 3 साल तक। चलो गिरावट हुई है, लेकिन ऐसा पिछले 1.5-2 साल पहले भी हुआ था, यानी लगभग कोरोना के बाद शेयर बढ़े थे, जिसके बाद एक बार पहले भी हुआ था कि ऐसी रिपोर्ट आई थी जिसके कारण अडानी ग्रुप के शेयर गिर गए थे। लेकिन उसके महीने के अंदर इतनी तेजी देखने को मिली थी अडानी ग्रुप के शेयरों में कि काफ़ी लोगों को मल्टी वीगर रिटर्न मिला था, और जिन्होंने शेयर बेचे थे, जो बिकवाली कर गए थे जो लोग, उनको पछताना भी पड़ा था। ऐसे ही हालात अब भी होने वाले हैं। अगर आप मार्केट की रिपोर्ट को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, अगर आप दूसरे कंपनियों की रिपोर्ट, हिंडनबर्ग जो सेल शॉर्ट कंपनी है जो अपना ही फायदा देखती है, ऐसी कंपनियों की रिपोर्ट या विदेशी लोगों की सुनेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। चलिए मान लेता हूँ कि शेयर एक दिन के अंदर 20% गिरे, पिछले महीने में 40 से 50% गिर चुके हैं और आने वाले दिनों के अंदर भी शायद गिर जाए 10 से 15%। लेकिन यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी बजट आने के बाद। बजट आने के बाद यानी आज थोड़ी गिरावट हो सकती है, कल भी गिरावट हो सकती है, लेकिन 1 फरवरी से अडानी ग्रुप के शेयरों में आपको तेजी देखने को मिलेगी और एक महीने के अंदर जो नुकसान हुआ है वो नुकसान की पूर्ति भी अडानी ग्रुप करेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। तो मेरे भाइयों, बने रहिए अडानी ग्रुप के साथ, जुड़े रहिए, क्योंकि अडानी ग्रुप देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर इस पर अगर आपने भरोसा नहीं किया तो पाकिस्तान जैसा हाल भारत का हो जाना है। तो ऐसे इन्वेस्टरों को ना कि आप डीमोटिवेट करें बल्कि प्रोत्साहन करें। जय हिंद, यही कहना चाहूँगा। जुड़े रहिएगा अपनी पब्लिक के साथ। जय हिंद।